हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। जो आज का लेक्चर है वो है मैटर वेव। और बच्चों, ये मैटर वेव जो है ना, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं पहले। तो ये मैटर वेव जो है, ये मैटर वेव का सारा श्रेय जाता है डी ब्रॉगली साहब को। डी ब्रॉगली साहब थे, इसलिए मैटर वेव है, राइट? तो नाम से देखो कैसा है, मैटर वेव। मैटर भी है और वेव भी है। मैटर से समझ में आता है पार्टिकल, और वेव से वेव समझ में आता है। मतलब मैटर जो है, पार्टिकल जो है, वो वेव भी हो सकता है। चैप्टर से ही ये क्लियर हो रहा है। और याद करो बच्चों कि जब लाइट की बातें हो रही थी कि लाइट क्या नेचर है, लाइट की नेचर दो थी, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर से कई चीजें प्रूफ हो गई। पार्टिकल नेचर में सबसे पहला, पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए कि लाइट पार्टिकल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इफेक्टिव था ये। और एक क्रॉम्पटन इफेक्ट भी आता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। और एक रमन इफेक्ट भी होता है, वो भी सिलेबस में नहीं है। ये सब ऐसे थे जिन्होंने पार्टिकल नेचर को, लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया। जबकि वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए इंटरफेरेंस है, क्योंकि इंटरफेरेंस ही एक ऐसा फिनोमेना है जो कि लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करता है, प्रूफ करता है। दूसरा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन से भी लाइट के वेव नेचर को प्रूफ कर पाते हैं। और पोलराइजेशन, ये सब ऐसी घटना है जो प्रूफ करता है कि ये वेव है। पोलराइजेशन तो सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, बट जे के है और नीट के है, इसलिए इसे हम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये पार्टिकल लाइट, एक ही लाइट कभी पार्टिकल बन के चीजों को प्रूफ कर रहा है, कभी वेव बन के चीजों को प्रूफ कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल है या फिर वेव है। कुछ चीजें समझ में नहीं, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। जब पार्टिकल तरीके से प्रूफ करना हो तो पार्टिकल मानते हैं, जब वेव तरीके से चीजें प्रूफ होती है तो हम लाइट को वेव मानते हैं। तो आखिर है क्या, फंदा क्या है? ना पार्टिकल वेव समझ में नहीं है। तो एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि लाइट ना तो पार्टिकल है ना तो वेव है, मतलब दोनों ही है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। इन्होंने ये शब्द कहकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया, ये सब कहके कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और बच्चों, यही शब्द था जिनके कारण ये मैटर वेव एक चैप्टर आया हमारा, मैटर वेव। मतलब पार्टिकल, इच एंड एवरी पार्टिकल और मैटर इज कोरिलेटेड विद वेव। मतलब एक पार्टिकल के अपने आप में एक वेव भी है, हर एक पार्टिकल के साथ वेव होता है, ये कहना रहा डी ब्रॉगली साहब का। तो इच एंड एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए फिनोमेना ऑफ वेव, ठीक है। तो अब हम लोग इन चीजों को जानने के बाद, लाइट हैज ड्यूअल नेचर में मैटर वेव आया, और मैटर वेव को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इन छोटी चीजें हैं, आप कॉपी कर लें। और यहीं से आया क्या, डी ब्रॉगली वेव ने, डी मैटर वेव, और यहां पे आया डी ब्रॉगली वेव है, तो इसका वेवलेंथ भी तो होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आया। बच्चों, इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे की बात करें। हो गया, ओके। तो अब मैटर वेव के बारे में जान लें कि ये मैटर वेव क्या है। तो मैटर वेव है बच्चों, ईच एंड एवरी पार्टिकल, इसे मैटर भी कह देते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है वो मैटर का है पार्ट ना। ईच एंड एवरी मूविंग पार्टिकल,
मूविंग पार्टिकल, इसे मैटर कह देते हैं। मैटर इज एसोसिएटेड, इज एसोसिएटेड विथ विथ वेव। हर एक वो मूविंग पार्टिकल, हर एक पार्टिकल वो जो मूव कर रहा हो उसके साथ साथ जो है एक वेव होता है, जो वेव कहलाता है क्या बच्चों, विच इज नोन एज या कॉल्ड एज एज मैटर वेव। मैटर वेव ठीक है, जो कहलाता है क्या बच्चों, मैटर वेव ठीक है। एंड द वेव, मैटर वेव, द वेव हैज अ पर्टिकुलर 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 वेव लेंथ, वेव लेंथ। और ये जो मैटर वेव होता है बच्चों, ये मैटर वेव जो होता है, अगर ये वेव है तो इसका कुछ वेवलेंथ भी होगा पर्टिकुलर ना, तो ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को सबसे पहले सिंस एट फर्स्ट इट इज ऑब्जर्व्ड बाय डी ब्रॉगली दैट्स व्हाई द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव is known as क्या बच्चों बताओ तो, डी ब्रॉगली साहब ने दिया था, इसलिए इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब, डी ब्रॉगली साहब का कहना था कि जितने भी पार्टिकल हैं, मैटर हैं, जो मूव करता हो उसके साथ साथ वो वेव छोड़ रहा होता है ठीक है, और जो वेव छोड़ रहा होता है वो मैटर, वो वेव कहलाता है मैटर वेव राइट। उस मैटर वेव का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, क्योंकि वो वेव छोड़ रहा है इसलिए वेव छोड़ रहा है तो वेवलेंथ भी होगा, तो उस पर्टिकुलर मैटर जो वेव छोड़ रहा है उस वेव का पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होता है, जिसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डी ब्रॉगली साहब ने, इसलिए डी ब्रॉगली साहब ने उस वेवलेंथ को नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ राइट। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू पी बाय एच P equal to H by lambda, तो ये P equal to H by lambda, lambda equal to H by P, ये होता है। और यहाँ पे क्या है H, तो H ये lambda क्या है, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जबकि H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और P क्या है, P है बच्चों मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मोमेंटम। तो बच्चों जल्दी से इसे कॉपी करो, चीजें दिख नहीं रही हैं इसलिए ऐसे देख लो बच्चों।
ठीक है, हो गया क्या? ओके, दिख रहा है बच्चों? थोड़ा से नीचे कर ले, हो गया? तो P क्या है? मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में इसके जाते हैं। तो जल्दी से कॉपी कर लिए हुए मिटाऊं, तो ये चीजें समझ में आ गई। ओके, अब डी ब्रॉगली साहब ने मैटर वेव दिया और बाकायदा उस मैटर वेव का वेवलेंथ दिया। ठीक है, अब देखते हैं उस वेवलेंथ को, जो डी ब्रॉगली साहब के अनुसार ये वेव मैटर वेव का जो वेवलेंथ आया वो आया क्या बच्चों? H by P। ओके, लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, P है मोमेंटम। ओके, ये P जो है बच्चों, ये P ये है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखो ध्यान से, मान लो एक ये मास है, पार्टिकल मास 2 kg का, ठीक है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 meter per second। ठीक है, या 5 meter per second, ठीक ना? तो इस पार्टिकल का मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का वेव जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? m इंटू वी, ये होगा ना? मतलब मास कितना है? 5। मास कितना है? 2 kg, और वेलोसिटी कितनी है? 5 meter per second। तो ये हो गया 10, और जो होगा 10 kg meter per second, जो भी ये इसका है, ये मोमेंटम आ गया, P का वैल्यू आ गया इस पार्टिकल का। ठीक है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है 5 meter per second से। अगर मैं चाहूं कि इस, अगर ये मैटर है, ये पार्टिकल है, ये मूव भी कर रहा है, तो इसके साथ साथ वेवलेंथ भी ये छोड़ रहा होगा, वेव भी छोड़ रहा होगा, जिस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। अब उस मैटर वेव का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, तो इस मूविंग पार्टिकल का हम वेवलेंथ निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले डी ब्रॉगली साहब ने ये ऑब्जर्व किया था, इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल का, राइट? तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल टू होता है H by P, H प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 × 10⁻³⁴, बहुत अच्छे से जानते हो सारे बच्चे, और मोमेंटम जो निकला इसका वो निकला 10, राइट? यूनिट जो होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब यहां पे अगर देखूं तो ये वैल्यू ऊपर जब जाएगा 6.625 × ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ये हो जाएगा -35। वेवलेंथ है इसलिए जब कैंसिल करेंगे तो ये मीटर आएगा। बच्चों देखो, अब यहां पे तुम ध्यान से देखना, अपने आप को फील करना चीजों को, ठीक है? अब ये कॉपी करो और फील करेंगे अब बातों को, ठीक है? होप की कर लिया होगा ना। अब देखो बच्चों, ये वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना, फील करना थोड़ा। वेवलेंथ होता है दो, ये वेवलेंथ होता है, इनके बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ हम कहते हैं। अब देखो, ये जो वेवलेंथ है -35 है,
मतलब अगर ये कहूं ये है 0.00000000 35 टाइम्स जाना पड़ेगा, तब 625 लिखना पड़ेगा। सोचो यार, देखो ध्यान से, 0.00000000 बोलने में अभी लगेगा टाइम, और -35 मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना कम है, इतना कम है कि ऑब्जर्व करने लायक नहीं है, नहीं कर सकते हम वेव को फील, क्योंकि वेवलेंथ इसकी इतनी छोटी है कि ऑब्जर्वेबल नहीं है। वी कांट ऑब्जर्व, हम नहीं कर सकते। इसलिए लाइन ये जो चल रहा है ना, ये लीनियर मोमेंटम ही कहलाता है, ये सीधा ही चलता है, चलता भी है, इसके अंदर वेव भी है, लेकिन उस वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी है कि हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, वेव फील ही नहीं कर सकते कि हम वेव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इतना भारी मास नहीं चलेगा, मास कुछ ऐसा हो जो इसके कंपैरिजन में हो, ये इसका वैल्यू कुछ ऐसा हो जो इसके कंपैरिजन में हो ना। तो बच्चों, इतने बड़े मास के साथ वेव हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो क्या ट्रक के साथ कर सकते हैं? ट्रक के साथ भी मैटर वेव है एसोसिएटेड, लेकिन चूंकि मास इतनी अधिक है और वेवलेंथ उसकी इतनी कम है उस मैटर वेव की, जो ट्रक की, कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेबल नहीं है वो, राइट। लेकिन हर एक पार्टिकल के साथ मास एसोसिएटेड है। ये डी ब्रॉगली साहब ने ये बहुत बड़ी बातें कह गई, ठीक है। तो फिर वेवलेंथ, इसको लिख लेते हैं नीचे, ये लिख लेना बच्चों, इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। द वेव, द डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इज सो स्मॉल इज टू मच स्मॉल दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व। इतना कम है कि हम लोग इसके वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब तो फिर हम इसको वेवलेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू को कम करनी होगा, और इसकी वैल्यू को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नीचे की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। नीचे का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम, नीचे का वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम का वैल्यू कम, इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं हम बच्चों, इसे मिटाऊं क्या, ओके। इसका मतलब है कि मास जो मोमेंटम जो ये जो इसी लैम्डा को ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाय एम इंटू बी, इसका मतलब है बच्चों ये मास जो है इस मास को बहुत कम करना होगा, राइट, बहुत ही कम करना पड़ेगा। अगर ये मास, अगर बच्चों ये मास हम मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं तो ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁰ kg होता है ना बच्चों, ये होता है ना, और ये जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस होगा तो ये इसके कंपैरिजन में आ जाएगा ना। तो हम इतने कम मास के पार्टिकल के साथ हम डी ब्रॉगली के वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इतना कम मास, आप सोचो कि इतना कम मास किसका हो सकता है, तब ना ये जो मास का, इलेक्ट्रॉन का मास है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके कंपैरिजन में आ जाएगा लैम्डा ना।
तो इसलिए बच्चों बड़े मास के लिए, ट्रक के लिए, 2 केजी के लिए, 10 केजी के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए ये ऑब्जर्वेबल नहीं है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये ऑब्जर्वेबल है तो सिर्फ ऐसे पार्टिकल के लिए जिनकी मास इस रेंज में, इस रेंज में, मतलब एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हो गया, इस रेंज में प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन हो गया, इस रेंज में न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी हो गया, या फिर अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन हो गया, एंड और भी जो भी चीज है वो सारे पार्टिकल हो गए जिनका वेव, जिनका मास इसके रेंज में। ठीक है बच्चों, तो ये पार्टिकल ऑब्जर्वेबल है, इनका वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनका पॉसिबल है ऑब्जर्व करना। सो अब हम फाइनल टच देते हैं बच्चों कि क्या दे सकते हैं बताओ। हम ये देंगे बच्चों कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेंथ इज ओनली ऑब्जर्वेबल, इज ओनली ऑब्जर्वेबल फॉर वेरी स्मॉल मास ऑफ पार्टिकल, वेरी स्मॉल स्मॉल मास ऑफ पार्टिकल। और इस जो ये जो वेरी स्मॉल मास ऑफ पार्टिकल है ना, इसका एक पर्टिकुलर नाम है क्या बच्चों, ऑब्लिक माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल मतलब वेरी वेरी स्मॉल कर लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, उसे कहेंगे माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोप से भी ना दिखता हो, ऐसे पार्टिकल के लिए ये क्या है, ऑब्जर्वेबल है। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सिर्फ ओनली ऑब्जर्वर फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ओनली वैलिड है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बड़े मास के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है कि बड़े मास के साथ वेव नहीं होता है? नहीं होता है, ऑब्जर्वेबल नहीं है, क्योंकि उसकी उसका जो वेवलेंथ है वो इतना छोटा होता है कि पॉसिबल ही नहीं है किसी को ऑब्जर्व करना ना। तो किसको, किसका पॉसिबल है बच्चों, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जानते हैं कुछ बातें, होप कि आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, ओके, अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं बच्चों। ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ करना है कैलकुलेट ना। इसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पहला, इसको हम एक पार्ट डिवाइड करते हैं और नाम देते हैं इसका चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मतलब जिसमें चार्ज हो वो पार्टिकल का नाम देते हैं। एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, अरे न्यूट्रल, न्यूट्रॉन लिखा दिया, न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, ओके, चार्ज पार्टिकल का एग्जांपल, पहला एग्जांपल चार्ज पार्टिकल का पहला जो जिसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, पहले चार्ज पार्टिकल के लिए फिर न्यूट्रल पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो पहला चार्ज पार्टिकल में क्या
इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल का पहला एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा प्रोटॉन। तो फिर हम प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, तीसरा अल्फा पार्टिकल, अल्फा अल्फा के लिए भी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, चौथा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कुछ बच गया क्या? और कुछ पढ़ा होगा तो देख लेंगे, चार चार्ज पार्टिकल। अब न्यूट्रल पार्टिकल, पहला न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ये गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन सारे जो पार्टिकल है, ये सारे नाम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, तो इनके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑब्जर्व करेंगे। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक चार्ज पार्टिकल, एक न्यूट्रल पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में देखेंगे, जो निकालेंगे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रल पार्टिकल में न्यूट्रॉन और गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिर से लिख देते हैं, वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय पी। मतलब सारे में ना हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, एच बाय पी। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा डिटेल्स में होगा, क्योंकि अब घुसेंगे तो सारी चीजें हम लोग क्लियर करके ही निकलेंगे। इसलिए आज भर के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म का है, और फिर नेक्स्ट जो कल हम लोग लेक्चर अटेंड करेंगे वो उसमें सारी चीज़ें, वो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, वो ज़्यादा लंबा थोड़ा लेक्चर होगा, तो उसमें सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल ना, ओके बाय।